भ्रष्टाचार के मुद्दों पर है, जहां गरियाबंद जिले में खेलगड़िया मद में हुए भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में लोक शिक्षण अपर संचालक ने कलेक्टर को पत्र लिखकर फिर से पूरे मामले की जांच की रिपोर्ट मांगी है। वही आपको बता दें कि सरकार ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में खेल सामग्री के लिए पैसा दिया था, लेकिन गरियाबंद जिले के तत्कालीन डीएमसी ने स्कूलों पर दबाव बनाकर इससे टेलीविजन खरीदवा लिया था। वही टीवी खरीदने में स्कूल के विकास मद की राशि भी लगवा दी गई थी। अपर संचालक के दिलचस्पी दिखाने के बाद अब तय माना जा रहा है कि लंबे समय से प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण के चलते कार्रवाई से बचते आ रहे पूर्व डीएमसी श्याम चंद्राकर के खिलाफ अब जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है।